बेगमगंज से हमारे संवाददाता भरत सिंह की रिपोर्ट। बच्चों की जिंदगी महफूज रहे इसके लिए बेगमगंज टीआई राजेश तिवारी ने स्कूल वाहन चेक किए। पुलिस ने स्कूल के बच्चों से भरे ऑटो संचालकों को चेतावनी देकर छोड़ा। स्कूली बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह ऑटो मैजिक आदि में ठूस ठूस कर भरने की शिकायत मिलने पर थाना प्रभारी राजेश तिवारी के मार्गदर्शन में पुलिस ने थाने के सामने ऑटो संचालकों को धर पकड़ के कर की और क्षमता से 1.5 से 2 गुना बच्चों को बैठाने पर उनके नाम पते लिखकर चेतावनी देकर छोड़ दिया है। यदि सोमवार से उक्त स्कूली बच्चों से भरे ऑटो में बच्चों को ठूस ठूस कर भरा गया तो उनके ऑटो जब्त कर लिए जाएंगे तथा वैधानिक कार्रवाई करने की नसीहत दी गई। पुलिस की इस कार्रवाई से कुछ देर के लिए ऑटो संचालक एवं मैजिक संचालकों में हड़कंप मच गया और वे इधर उधर के रास्ते से अपने स्टूडेंटों को छोड़ने के लिए भागने लगे ताकि देरी होने पर पालक परेशान ना हो। लेकिन उसके बावजूद करीब आधा दर्जन ऑटो व मैजिक को पुलिस ने धर दबोचा और उन्हें सख्ती से ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए चेतावनी दी। सभी ऑटो संचालकों के नाम पते व ऑटो मैजिक का नंबर दर्ज कर उनके कागजात भी चेक किए और चेतावनी के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। ऑटो मैजिक संचालकों को डांट फटकार होते देख कुछ छोटे बच्चों की आंखों में आंसू आ गए, जिन्होंने टीआई राजेश तिवारी ने चुप कराकर उन्हें शांत किया कि बेटे तुम्हें नहीं डांट रहे हैं, आप सभी अपने घर जाकर पालकों से कहना कि किस तरह से जानवरों की तरह ठूस ठूस कर ऑटो मैजिक में बैठाया जाता है, उन्हें अलग ऑटो मैजिक की व्यवस्था कराएं। एक एक ऑटो में 26 बच्चे कितने बच्चे क्यों बैठा ले 9 बच्चे उसमें कितने की सरकार ने परमिशन दी है? फिर सर वैसे बच्चों को ले जा रहे हो ठूस ठूस के भर के, कल के दिन कोई घटना हो कुछ हो कौन होगा जिम्मेदार? कितने हैं? 24 बच्चे है। 24 बच्चे तो शर्म नहीं आती? बच्चों को तो भेड़ बकरी की जैसे भरे हो। ये जो स्कूल के लिए वाहन लगे हुए हैं उसमें क्षमता से अधिक बच्चों को बिठाए जाने की शिकायत मिलती है, तो आज जितने भी वाहन चालक है उनको सबको थाने के पास रोका गया और उनको समझाइश दी गई कि जो क्षमता है निर्धारित उस उतना ही बच्चे बिठा लें, अन्यथा चालानी कार्रवाई वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और जो वाहन में बच्चे बैठे थे उनको भी बताया है, बच्चों को भी समझाया कि वो भी अपने पेरेंट्स को अपने घर में जाके बताएं कि ऑटो वाले या वैन वाले क्षमता से अधिक बच्चे बिठाते हैं, अतः वो उनको आने जाने के लिए अलग से वाहन की व्यवस्था करवाएं। बरेली से हमारे संवाददाता गौरव पटेल की रिपोर्ट। नाबालिग छात्रा के साथ रेप, एक छात्रा के साथ छेड़छाड़। आचार संहिता के बाद प्रशासन सख्त रहता है लेकिन आज भी महिला शोषण के मामले में थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक नाबालिग छात्रा के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया, वहीं दूसरी घटना में कोचिंग से लौट रही छात्रा के साथ छेड़छाड़ की जाती है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। रायसेन जिले के बरेली थाना का मामला, 15 साल की नाबालिग छात्रा को आरोपी ने घर बुलाकर बंद कमरे में रेप करता है, जिसे मां द्वारा देख लिया जाता है। 100 डायल बुलाकर आरोपी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया जाता है। आरोपी प्रदीप अहरबार उम्र 22 वर्ष को धारा 376-342 पास्को एक्ट के तहत कार्रवाई कर जेल भेजा जाता है। वहीं दूसरा मामला, कोचिंग से लौट रही छात्रा का पीछा कर आरोपी बबलू उर्फ बलराम के छेड़छाड़ की और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं बरेली थाने में 24 घंटे में 2 मामले छेड़छाड़ और 1 मामला रेप का आया। क्षेत्र की महिलाओं के साथ हो रही छेड़छाड़ के मामले में आए दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। प्रदीप पिता नर्मदा प्रसाद अहिरवार है, 22 साल आयु है आरोपी, निवासी टोंगा का है। इसने जो है फोन करके ये जो छात्रा है लड़की है इसको बुला लिया था और उसको कमरे में बंद करके उससे सारा जो है पूरा काम किया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। किस तरह के मामला दर्ज है सर? हाँ, मामला दर्ज कर लिया गया है, आरोपी गिरफ्तार हो गया है। और कौन सी धारा के तहत है सर? धारा 376 है, 342 पास को एक्ट भी लगा गया। हाँ।